एमएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुमार शिखावत। आइए रुक करते हैं कुछ विशेष खबरों की ओर। वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक है तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहाँ पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री है। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत ये है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी और ये उनके प्रमुख है जिसके साथ खड़े हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है और असलियत ये है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है।